चलिए नेक्स्ट कार्ड निकालिए, टू ऑफ कप्स, और पढ़िए, स्टार्ट कीजिए। मैं बोलूं मैम। हाँ, हाँ जी बोलिए। ये एक पॉजिटिव कार्ड है। ये भगवान की ब्लेसिंग दिखा रहा है। जो हर्मिट जो है ऊपर, वो भगवान की ब्लेसिंग दिखाता है। रेड कलर पैशन को दिखाता है। और ये रिश्ते में ना, मतलब ये अर्ली स्टेज का रोमांस है। दोनों में गिव एंड टेक है। मतलब जो आप वो रिलेशनशिप में दोगे वो ही आप पाओगे, काइंड ऑफ रिश्ता है। और दूसरा, ये बिजनेस में आएगा तो ये एक पार्टनरशिप का कार्ड है। और हेल्थ के लिए बैलेंस रहेगा हेल्थ में। और दूसरा ये चीज है कि ये सोलमेट कार्ड भी है। ओके ठीक है। हाँ जी कोई और बोलेगा? मुझे लगता है इन दोनों में यूनिटी और एक कंपैटिबिलिटी है। तो दोनों में बिल्कुल लाइक सेम एनर्जी है दोनों की। दे आर कंपैटिबल टू इच अदर, मतलब एक साथ खुश रहने वाले लोग हैं। ओके। और कोई कुछ और बोलना चाहता है इसके अलावा? नो मैम, सेम ही है मेरे। ओके, तो दो नंबर का कार्ड है, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर दो लोग हैं जो कि आपस में कप्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये वाटर एलिमेंट का कार्ड है, किसी की पर्सनैलिटी या किसी के करेक्टर के बारे में बताना है तो हम बता सकते हैं कि पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस राशि का हो सकता है। अगर कोई टाइम फ्रेम की बात करेगा तो हम समर सीजन बोलेंगे या फिर 2 मंथ्स का टाइम बोलेंगे, क्योंकि ये दो नंबर की एनर्जी है। तो चंद्रमा की एनर्जी किस चीज को बताती है? दो चीजों को बताती है जिसमें आपके पास चॉइसेस होती हैं और आप दो चीजों को बैलेंस करते हो, राइट। अब इसके अंदर हमें पर्सन भी दो दिख रहे हैं जो कि आपस में कप्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ये पार्टनरशिप का, यूनिटी का, कंपैटिबिलिटी और कपल्स का कार्ड है, राइट। सोलमेट्स होना बताता है, अच्छे रिलेशंस किसी के साथ शेयर करना वो बताता है, किस तरह के रिलेशंस, हैप्पी रिलेशनशिप, हार्मोनियस रिलेशनशिप जिसमें इक्वालिटी है और आपस में अट्रैक्शन है, राइट। अब इस कार्ड की सिंबोलॉजी, जैसा कि मैंने पहले बताया, ऊपर जो एंजेलिक विंग्स दिख रही हैं आपको, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि वो एंजेलिक विंग्स इन कप्स के बीच में हमें दिख रही हैं, राइट। तो इसका मतलब है कि ये जो पार्टनर्स आपस में बने हैं ना, ये भगवान की दया से ही बने हैं। ये इनका आपस में पहले का कनेक्शन है, कप्स का पास्ट कर्मा का। ये जो नीचे ये बंधन दिखा रखा है ना एंजेलिक विंग्स के नीचे, ये जो रस्सी टाइप कुछ दिखा रखा है, जैसे 8 8 8 बना हुआ है ब्लैक कलर का, तो ये कनेक्शन बताता है कहाँ से, पिछले जन्म से, राइट। तो इन लोगों का आपस में इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का रिश्ता है। ये पार्टनर्स कर्मों से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं जो कि इमोशनली बड़े बैलेंस्ड हैं, अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में फील करते हैं कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हाँ जी समर बताइए। तो फिर ये कार्मिक वो हो गए, कार्मिक लाइक रिलेशनशिप पार्टनर्स हो गए। कार्मिक रिलेशनशिप बट इन अ पॉजिटिव वे, अच्छा, ठीक है। जैसे हम लवर्स का कार्ड देखते हैं ना, मेजर अरकाना का लवर्स, उसके अंदर भी वो कर्मा से एक दूसरे की जिंदगी में है, तो ये इनका भी आपस में कार्मिक कनेक्शन है बट पॉजिटिव है ये, राइट। तो ये कार्ड जब भी रीडिंग में आएगा, ये आपकी इंगेजमेंट होना, शादी होना, किसी नए रिश्ते में एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होना, ये सब भी बताता है। जितने भी कप्स के कार्ड्स है ना, जैसे एस ऑफ कप्स हो गया या टू ऑफ कप्स हो गया, अब जैसे जैसे ये कप्स बढ़ेंगे ना, आप देखना, एक के अंदर तो हमें कोई नजर, दो में दो लोग नजर आ रहे हैं, तीन के अंदर तीन लोग नजर आ रहे हैं ना, तो कहीं कहीं पे तो लोग नजर आ रहे हैं लेकिन कहीं पे नहीं नजर आ रहे। लेकिन जैसे जैसे नंबर बढ़ता है वैसे वैसे ही इन लोगों के जो इमोशंस हैं वो बढ़ते हैं लोगों के साथ, इमोशनली ये ज्यादा अटैच होते हैं, उतना ही ज्यादा इनका बड़ा सोशल सर्कल होता है। अब ये कार्ड क्योंकि पार्टनरशिप का कार्ड है,
तो ये लोग आपस में, इनकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, राइट। अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें ना, कि पर्सन किस टाइप का पर्सन है, तो ये पर्सन बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला पर्सन है। इस पर्सन के साथ आपके पिछले जन्मों के कुछ पॉजिटिव और कार्मिक कनेक्शंस हैं, जो आप एक दूसरे से इमोशनली अटैच हो, राइट। ये पर्सन आपको खुशी देता है, हैप्पीनेस देता है, और आपकी इनके साथ बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है। तो देख रहे हैं ना कि ये लोग कप्स को एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, है ना, कि मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूं, बदले में तुम मुझे कुछ दे रहे हो, राइट। और वो क्या है, इमोशंस। वो ऐसा नहीं कर रहे हैं भी कुछ एक दूसरे से जबरदस्ती कुछ ले दे रहे हैं, या फिर मतलब का रिश्ता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसमें एंजेलिक विंग्स आ गए हैं, तो फिर ये पॉजिटिव कार्ड है। ये इमोशंस एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझते हैं। आप इनसे बात कर सकते हो, अगर ये किसी की रीडिंग में भी आता है ना, कि मेरा पर्सन कैसा, किस टाइप का पर्सन है, तो आपका पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनली आपको अंडरस्टैंड करने वाला है। आपकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, आप अपने पार्टनर से बात करो, आप इस पर्सन से बात करो, आप देखो कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इमोशनली क्लोज आपके कौन है। वो पर्सन आपको हमेशा सही गाइड करेगा, राइट। वो आपके साथ हमेशा स्टैंड करेगा आपके डिफिकल्ट टाइम के अंदर, आपको हैप्पीनेस देगा। आपके साथ उनका रिलेशनशिप सिर्फ सिर्फ दिखाने का नहीं है, वो आगे तक बढ़ने वाला रिलेशनशिप है, राइट। अब अगर ये कार्ड बिजनेस के लिए आ जाता है, तो बिजनेस में ये पार्टनरशिप को दिखाता है, कि आपका पार्टनरशिप में किसी के साथ बिजनेस है, आप या फिर आप दो काम कर रहे हो, ये दो कामों को भी बताता है। क्योंकि मोस्टली जो दो नंबर के कार्ड है ना, उसमें आप देखोगे कि दो दो ही चीजें नजर आ रही हैं हमें। कप्स में है तो दो कप्स नजर आ रहे हैं, साथ में दो लोग भी नजर आ रहे हैं। अब वैंड्स में आएगा तो दो वैंड्स नजर आ रही हैं, स्वॉर्ड्स में है तो टू स्वॉर्ड्स नजर, लेकिन स्वॉर्ड्स के तो चलो नेगेटिव कार्ड्स है ना। तो दो के अंदर क्या होता है, हमेशा बंदे बंदे के पास दो ऑप्शंस होते हैं। अब इसको बोलेंगे बिजनेस के अंदर, या तो आप दो बिजनेस कर रहे हो, या फिर आपके पास करियर में दो अपॉर्चुनिटीज हैं, या दो ऑप्शंस हैं, जिसमें से आपको चूज करना है कि आप किसके साथ जाओगे। लेकिन दोनों ही पॉजिटिव है, क्योंकि हम देख रहे हैं ये दोनों लोग पॉजिटिव हैं, दोनों के ऊपर गॉड की ब्लेसिंग्स है। तो आप किसी के साथ भी कोई भी ऑप्शन चूज कर लो, आपके लिए वो अच्छा ही रहेगा। बिजनेस के अंदर आपके पार्टनर के साथ बड़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी है ना, अंडरस्टैंडिंग के साथ आप लोग बिजनेस करते हो। कोई भी बिजनेस में अगर दिक्कत आप परेशानी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, तो आप शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपकी। ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा बिजनेस संभाल रहा है और दूसरा कुछ नहीं कर रहा, है ना। तो आप बड़े बैलेंस्ड वे में अपने रिश्तों को, अपने बिजनेस को संभाल रहे हो, और किसके साथ, विजडम के साथ। आपके रिश्ते के ऊपर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, आप भरोसा है उनके ऊपर आपको। आप अपने बिजनेस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पार्टनर पे छोड़ सकते हो, कि हाँ अगर मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहा हूं तो ये देख लेगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग है, वो जो विश्वास है आप दोनों का बिजनेस के अंदर, बहुत अच्छा है एक दूसरे के साथ। जितना आप उन पे विश्वास करते हो, उतना ही वो भी करते हैं, है ना। क्योंकि कप्स को क्या कर रहे हैं, वो एक्सचेंज कर रहे हैं। अगर ये, जैसे मैंने रिश्तों की बात करी, तो रिश्तों में भी हस्बैंड वाइफ हैं, तो या फिर अगर किसी के लिए भी रिश्ते के लिए कार्ड निकाला है, अगर कोई हस्बैंड वाइफ के लिए निकाल रहा है, तो बड़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी है आपकी, बड़ी समझ के साथ चलते हो, बड़ा प्यार है, केयर है, अटेंशन है। हर टाइम आप एक दूसरे से जो है, एक दूसरे से बात करके फिर कोई अगर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो लेते हो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हो। तो इस तरह का जो रिश्ता होता है ना, तो ये बड़े भगवान की दया है आपके ऊपर, कि आपको ये पार्टनर इस जिंदगी में मिला है, इनको संभाल करके रखिए। अगर ये फ्यूचर में आ जाता तो आपको अपने पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग से चलना है, क्योंकि दोनों ही प्लेसमेंट पे कार्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रेजेंट के अंदर और फ्यूचर के अंदर। पास्ट के अंदर तो चलो टाइम निकल गया है, राइट। तो प्रेजेंट के अंदर भी हम गाइडेंस दे देते हैं साथ के साथ ही लोगों को, और फ्यूचर के अंदर तो देते ही हैं। तो जिस प्लेसमेंट पे है कार्ड, राइट, तो वहां पर आपकी उनके साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आपको कभी भी उनका भरोसा नहीं तोड़ना, एक दूसरे की सलाह के साथ चलना है। तो इस तरह से अगर ये कार्ड ऑब्स्टेकल में आ गया है ना, तो आपने एक दूसरे को समझा नहीं,
आपने एक दूसरे को लव केयर नहीं दिया, आपको अंडरस्टैंडिंग से चलना था, आपको केयर करनी थी, आपका रिश्ता आपको भगवान की साइड से मिला था, आपको इस रिश्ते के अंदर एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस को एक्सचेंज करना था, आपको बातें छुपानी नहीं थी। हो सकता है आपने अपने रिश्ते में बातें छुपाई जो कि ये एक्सचेंज कर रहे हैं, आपने नहीं करी, है ना। तो पार्टनर है, आपने उनके साथ धोखा किया, दगा किया, या आपके पार्टनर ने आपके साथ किया, तो बिजनेस के अंदर जो एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वो नहीं थी आपके बिजनेस के अंदर, इसीलिए आपका बिजनेस फेल हो गया। तो क्योंकि टू ऑफ कप्स क्या बोल रहा है, इमोशंस को बैलेंस करो, अपनी चीजों को शेयर करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लो भी, एक्सचेंज करने का यही मतलब होता है ना। अपने प्यार को, केयर को, लव को, ऐसा नहीं कि आप एक्सपेक्ट करते रहो कि अगला ही बंदा मेरे साथ करे, भाई क्यों करे, आप भी तो करो ना, एक्सचेंज कर रहे हो आप कप्स को, तो आपको इस तरह से रिश्तों को निभाना था, लेकिन आपने वो चीजें मिस कर दी कहीं ना कहीं, इसी कारण आपके रिश्तों में दिक्कत आई है, बिजनेस में दिक्कत आ गई। तो गाइडेंस में भी हम इसको फ्यूचर के लिए क्या बोलेंगे कि आपको अपने पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग से चलना है, उनको समझना, अगर कुछ दिक्कत आती भी है रिश्ते के अंदर तो आप उनसे बात करो, आप उनके इमोशंस को, अपने इमोशंस उनको बताओ, एक्सप्रेस करो और उनसे उनकी बात सुनो, उसको अंडरस्टैंड करो। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है यहाँ पर, चाहे कोई भी आ गया आपके पास, चाहे वो आपके बिजनेस के लिए आ गया, चाहे वो रिश्ते के लिए आ गया, जब तक आप अपने इमोशंस को एक्सचेंज नहीं करोगे। अब इमोशंस को एक्सचेंज क्या करना, क्या होता है ना, एक्सप्रेस करना, अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं करोगे, अपने पार्टनर की बात नहीं सुनोगे, है ना, उसको समझोगे नहीं, तब तक नहीं आपकी चीजें सेट होती। तो ये आपको फ्यूचर में ये चीजें करके रखनी है, तभी आपका रिश्ता अच्छा चलेगा। क्लियर हो गया? वैसे ये पॉजिटिव कार्ड है, यस नो की रीडिंग में हम इसको यस बोलेंगे। ये बल्कि इजी कार्ड है, 1 2 3 इजी कार्ड है, इजीली आप अंडरस्टैंड कर लेते हो, राइट? क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी है ना, एकदम से देख के पता चल जाता है कि पॉजिटिव है। हाँ जी, नेक्स्ट कार्ड, नेक्स्ट देखिए, थ्री ऑफ कप्स निकाल लीजिए। मैम मैं बताऊं, हुँ। थ्री ऑफ कप्स ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, पार्टी किसी चीज की विनिंग हो गई, इसलिए ये तीन फ्रेंड्स मिलके सेलिब्रेशन कर रही है। और नीचे जो फ्रूट फ्लावर जो दिखा रहे वो भी सेलिब्रेशन को ही दिखाता है। और वेडिंग है, एंगेजमेंट है, और फेस्टिवल भी है इसमें, फेस्टिवल भी दिखाता है ये कार्ड। हाँ जी, ओके। अर्चना आप बोलिए। मैम ये सेलिब्रेशन को दिखाता है, जैसे थ्री फ्रेंड्स हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेट कुछ भी हो सकता है, वेडिंग, एंगेजमेंट, या फिर आपकी कोई बिजनेस की सक्सेस, कुछ भी हो सकता है, या आपस में थ्री फ्रेंड्स मिल रहे हो वो हो सकता है। तो ये ग्रोथ एंड अबंडेंस का कार्ड है, इसमें एवरीथिंग इज पॉजिटिव, हर चीज में मतलब ग्रोथ है, एक मतलब आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है अगर फ्रेंड्स है तो। एंड प्रेगनेंसी के लिए भी मतलब एक्सटेंशन ऑफ फैमिली शोज करता है, और ये मतलब वेरी पॉजिटिव कार्ड। और ये थ्री जो शो करती है कंपैशन, इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी, आई फॉरगॉट दीज, ओके, ठीक है। अब ये देख रहे हैं सब। तो हम यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स के अंदर हमें क्या नजर आ रहा है कि तीन लोग हैं जिन्होंने अलग अलग कलर के क्लोथ्स डाले हैं, और बहुत हैप्पी, जो उनका देखने से ही पता चल रहा है कि काफी खुश नजर आ रहे हैं, ऐसे जैसे इंजॉय कर रहे हैं किसी मूवमेंट को, राइट? ये कोई पार्टी भी हो सकती है, कोई किसी की सेलिब्रेशन में भी जा सकते हैं, ये खुद से भी गेट टुगेदर कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हैप्पीनेस का कार्ड है। तीन नंबर की एनर्जी गुरु की एनर्जी है, जो कि एक पॉजिटिव एनर्जी है, राइट? ये सोशलाइजिंग होना बताता है ये वाला कार्ड, मतलब ग्रुप्स के बारे में बताता है,
कि आपका जो सोशल सर्कल है वो काफी बड़ा है, आप एक ऐसे पर्सन हो जो फ्रेंड्स बनाने में बिलीव करते हो, जो चीजों को बढ़ाने में बिलीव करते हो। अब तीन लोग है ना, तीनों में से देखो एक ने येलो और व्हाइट डाल रखा है, एक ने ओनली रेड डाला हुआ है और एक ने पूरा व्हाइट डाला हुआ है, तो ये तीनों लोग हैं जो आपके ग्रुप के अंदर, आपके सोशल सर्कल के अंदर जो लोग हैं ना वो बड़े पॉजिटिव हैं। अब इनके अंदर एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है। जब देखो आपने नॉर्मली भी देखा होगा कि अगर कोई बंदा कहीं पार्टी वगैरह में गया है तो वहां पे म्यूजिक चल रहा होता है, लोग डांस कर रहे होते हैं, तो क्या होता है एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा हाई होता है। इसीलिए जो ये बीच वाला पर्सन है ना, इसके कपड़ों को ज्यादा हाईलाइट किया गया है कि इस तरह के मूवमेंट में एनर्जी जो होती है वो सबसे ज्यादा हाई लेवल पे होती है, सब सबके अंदर कोई भी पर्सन हो तो, राइट। तो ये पार्टी को दिखाता है, इंगेजमेंट को भी दिखाता है ये वाला कार्ड, सेलिब्रेशन किसी भी तरह की सेलिब्रेशन को दिखा सकता है, जरूरी नहीं है कि शादी को दिखाता है, हो सकता है किसी की लॉटरी निकली हो या फिर किसी के यहाँ बच्चा हुआ है या किसी का वैसे ही शादी की बात कहीं पक्की हो गई है या फिर कहीं आप गेट टुगेदर वैसे ही फ्रेंड्स काफी टाइम बाद इकट्ठे हुए तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा कार्ड है जहां पर ये हैप्पी मूवमेंट्स को दिखा रहा है, एक दूसरे से अपने इमोशंस को। अब क्योंकि जब बंदे देखो इतने हैप्पी मूवमेंट में होंगे तो एक दूसरे के साथ जब बैठते हैं तो पुरानी से पुरानी बातें खोल के भी बैठ जाते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कि गेट टुगेदर जब भी होते हैं तो लोग इकट्ठे होते हैं तो सब लोग क्या कर रहे होते हैं, कुछ लोग नाच रहे होते हैं, कुछ लोग अपना खाना पीना कर रहे होते हैं और कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं ना। अब बाहर कुर्सियां लगा के बैठ जाएंगे, पार्टी वगैरह हो तो है ना, जैसे डीजे वगैरह चल रहा है तो सब, तो उस टाइम पे क्या होता है कि बातें बहुत ज्यादा होती है। तो ये बढ़ने का कार्ड है यहाँ पे, जब जहाँ पे तीन नंबर आता है, जब मैं आपको मेजर और माइनर के अंदर कनेक्शन बताऊंगी ना वहां पे आप देखना कि तीन नंबर जब भी आएगा ना वहां पर लोगों की इन्वॉल्वमेंट बताता है वो। अब तीन नंबर के पेंटिकल्स के कार्ड में भी आप देखोगे कि वहां पे आपको तीन लोग नजर आ रहे हैं, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स के अंदर भी हमें तीन तलवारें नजर आ रही है ना, चलो वो पेन का कार्ड है उसको मैं अलग तरीके से डिस्क्राइब करूंगी, वैंड्स के अंदर भी हम देख रहे हैं कि तीन वैंड्स है, तो यहाँ पर भी तीन कप्स हैं लेकिन लोग भी तीन है, तो यहाँ पर लोगों की इन्वॉल्वमेंट कैसे तीन के साथ करनी है ये जब मेजर और माइनर की बात करेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए हम ये देखते हैं कि तीन नंबर जब भी आएगा ये आपको बढ़ाने के लिए बोलता है। अब ये अगर ये फ्यूचर का कार्ड आता है तो हम बोलेंगे कि आप अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाओ, है ना, आप सोशल हो, आप अपने अपने अंदर घुटो मत, चाहे वो अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो, रिश्ते भी हैं आपके, अगर आप प्रेजेंट में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और हमें फ्यूचर के लिए वो थ्री ऑफ कप्स दिखा रहा है तो हम बोलेंगे भाई अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाओ, आप गेट टुगेदर करो, दोस्तों से मिलो, सोशल हो जाओ, है ना, सिर्फ ऑनलाइन नहीं या रियल में मीटिंग्स की बात कर रहे हैं, कहीं पार्टीज में जाओ, अपने आप का मन चेंज करो। अगर ये कोई बिजनेस की बात हो रही है तो हम बोलेंगे कि आपको अपने बिजनेस के अंदर दो से ज्यादा, आप अकेले मत बिजनेस करने की सोचो, आपके दो से ज्यादा लोग बिजनेस में इन्वॉल्व होने चाहिए। आपने देखा होगा कि कुछ बिजनेस होते हैं वहां पे चार पांच भी पार्टनर होते हैं, है ना, जैसे बड़ा बड़े लेवल पे बिजनेस, तो आपको ऐसा बिजनेस करने की जरूरत है जहां पर आप उस चीज को एक्सपैंड कर पाओ, आपके पार्टनर्स भी ज्यादा होने चाहिए, अकेले लेवल पे अगर आप बिजनेस करोगे तो शायद नहीं चला पाओगे, यहाँ पे कम से कम तीन की इन्वॉल्वमेंट आपके बिजनेस में होनी चाहिए तभी आपका बिजनेस अच्छे लेवल पे चलेगा। अगर ये बंदा पर्सनैलिटी के बारे में पूछ रहा है कि किस टाइप का पर्सन है, तो बंदा बहुत हैप्पी टाइप का पर्सन है, उसके रिलेशनशिप बड़े हारमोनियस है, ये बंदा पार्टी करने, इंजॉय करना, लाइफ को जीने में बिलीव करता है, ये हर पल को जीना चाहता है, इसके अंदर, इस बंदे के अंदर एनर्जी बहुत है, ये बंदा अंदर से बहुत प्योर है, क्योंकि हमें तीनों एनर्जीज यहाँ पे नजर आ रही हैं, हमें व्हाइट भी नजर आ रही है, हमें येलो भी नजर आ रही है, तो इस बंदे के ऊपर ना जैसी मर्जी सिचुएशन आ जाए, एक तो ये अपनी एनर्जी लेवल को डाउन नहीं होने देता, सेकेंडली अपनी पॉजिटिविटी को नहीं खत्म होने देता, अगर इसके ऊपर कोई सैड ऐसा कोई टाइम आ गया, मूवमेंट भी आ गया ना, तो ये उस पल को भी खुशनुमा बनाने की कोशिश करता है कि कैसे उस नेगेटिव मूवमेंट्स में से भी हम इसको थोड़ा सा इंजॉय कर लें, राइट। तो इस टाइप का पर्सन है, तो बहुत हैप्पी पर्सन है ये,
सिर्फ ये अकेला खुश नहीं होता, ये बाकियों को भी खुश करता है। जैसे कपिल शर्मा देखा है ना आपने, वो अकेला ही नहीं हंसता रहता, वो दूसरों को हंसाता है, लोगों को हंसाने की कोशिश करता है वो अपने जोक्स के साथ। तो इस टाइप का पर्सन है ये खुद भी खुश रहता है और दूसरों को अपने जोक्स के साथ खुश करने की कोशिश करता है, राइट। तो ये पर्सन जो है ना काफी ज्यादा जिंदगी को जीने वाले लाइवली पर्सन होते हैं ये लोग। अब अगर बिजनेस की बात करें, जैसे मैंने अभी अभी बताया, तो बिजनेस के अंदर एक से ज्यादा पार्टनर, आप अकेले बिजनेस मत करो। अगर इस टाइम पे प्रेजेंट में ये कार्ड आया, तो बिजनेस में आप एक तो बहुत ज्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड हो, और आपके बिजनेस के अंदर, प्रेजेंट के अंदर, दो लोगों से ज्यादा आपके पार्टनर्स आप लोग काम कर रहे हो, और आपके अंदर जो एक आपस के अंदर जो बॉन्डिंग है तीनों की, यहाँ पर मोस्टली तीन लोग ही होते हैं, तो काफी ज्यादा अच्छी है ना। अगर ये फ्यूचर में आता है बिजनेस के लिए, तो आपको तीन लोगों को इन्वॉल्व करके कोई बिजनेस करना चाहिए। आप अपने बिजनेस में बड़ा जो है, अपने बिजनेस में छोटी मोटी भी अगर आपने कुछ सक्सेस ली है, तो उसको बड़ा इंजॉय करते हो, हैप्पीनेस रहती है आपके, इन्वायरमेंट बड़ा पॉजिटिव है आपके वर्क प्लेस पर। अगर जॉब में हो, तो आपकी कुलीग्स के साथ काफी बनती है, बड़ा इंजॉय करते हो आप अपने वर्किंग इन्वायरमेंट को, राइट। तो पॉजिटिविटी और आपकी जो एनर्जी लेवल है, आपके काम वाली जगह पे बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो इस तरह से ये जो बहुत पॉजिटिव कार्ड है, जो कि पॉजिटिविटी को बताता है। इसी तरह अगर हम हेल्थ की बात करें, तो हेल्थ के अंदर भी ये कार्ड आपको अच्छी हेल्थ दे रहा है, और आप अपनी हेल्थ को एंजॉय कर रहे हो। बल्कि आप इस तरह से कि आप अलग अलग तरीके अपनाते हो, जो कि सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, वो कम से कम आप तीन अलग अलग तरीके अपनाते हो अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, और वो आप गाइडेंस दूसरों को भी देते हो, क्योंकि ये गुरु का भी कार्ड है, जो कि दूसरों को एजुकेट भी करता है। इसी तरह हम बिजनेस में भी बोल सकते हैं कि आप बिजनेस की जो स्ट्रेटजीज है ना, उसके बारे में आप अब दूसरों को भी एजुकेट करते हो, राइट। तो यहाँ पर हेल्थ के लिए भी आप दूसरों को भी बताते हो कि आपको ये नहीं ये करना चाहिए, आपको मॉर्निंग वॉक भी करनी चाहिए, आपको न्यूट्रिशन भी इस टाइप का लेना चाहिए, या आप ये वाले प्रोडक्ट्स यूज कर लो, बड़े अच्छे मार्केट में चल रहे हैं। तो इस तरह से आप गाइडेंस भी देते हो लोगों को, राइट। तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है। यस नो की रीडिंग में हम इसको हमेशा यस बोलेंगे। कोई किसी भी तरह से अगर ये कार्ड ऑब्स्टेकल में आता है, भी क्या कारण हुआ कि मेरे रिश्ते फेल हो गए, क्या कारण हुआ मेरा बिजनेस नहीं चला, क्या कारण हुआ कि मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाया, सक्सेस नहीं कर ले पाया, तो भाई आपको मिलजुल करके काम करना था, है ना। रिश्ते आपके क्यों फेल हुए, क्योंकि आपने शायद आपने आइसोलेशन चुन लिया। आपको तो ग्रुप्स में रहना था, ग्रुप्स इन द सेंस आपको दूसरों के साथ मिलजुल के रहना था। अगर हम पार्टनर की बात करें, अब पार्टनर के साथ तो हम ऐसा ग्रुप्स नहीं बन सकते, है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपको अपने पार्टनर को लेकर के ऐसा नहीं था कि आप अकेले में बस बैठ जाओ, अकेले में घूमो। आपको अपने पार्टनर के साथ लोगों को मिलाना था, मिलना था, अपने इमोशंस शेयर करने थे उनसे, एक जो अच्छे मोमेंट्स आप लोगों ने बिताए हैं उनको, उनको रिमाइंड करवा के उनको एक हैप्पी जो एटमोसफेयर है वो क्रिएट करना था आपको, वो आपने नहीं किया। तो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस, आपका जो अच्छा बिहेवियर, पॉजिटिव बिहेवियर है, वो आपकी लोगों के साथ इंगेजमेंट जो होनी थी, इंगेजमेंट इन द सेंस लोगों से इंगेज होकर के जो आपको चीजें करनी थी, वो शायद कहीं ना कहीं मिसिंग था। आपके रिलेशनशिप में हैप्पीनेस नहीं थी, है ना। एक दूसरे के साथ बात करना, पार्टीज में इकट्ठे जाना, इंजॉय करना, फ्रेंड्स के साथ मिलना, तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में मिसिंग थी। मतलब आप लोग सोशल गैदरिंग्स नहीं कर रहे थे, जो शायद आपके पार्टनर को चाहिए था, और आप शायद आइसोलेशन में रह रहे थे, तो इसीलिए शायद आपके रिश्ते खराब हो गए। इसी तरह बिजनेस के अंदर, मेरा बिजनेस क्यों नहीं चला, तो आप ज्यादा लोगों से नहीं मिले अपने बिजनेस के अंदर। आपको अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बढ़ाना था। अब इसमें हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आपको मतलब तीन पार्टनर को ही काम करना था तभी आपका बिजनेस सक्सेस। अब जरूरी नहीं होता कि हर बिजनेस में तीन पार्टनर हो। ये हम कब बोलेंगे, जब हमारे पास गाइडेंस के लिए कार्ड आ रहा है, फ्यूचर में क्या है, तो हम बोलेंगे कि अगर दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अब तो ये ऑब्स्टेकल में आ गया, अब वहां पे तीन पार्टनर नहीं है तो क्या करें, है ना। तो अब क्या बोलेंगे कि आपको अपने बिजनेस को सोशलाइज करना था, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आपको मीटिंग्स करनी थी। हाँ, बजाय हो सकता है कि आप सिर्फ एडवर्टाइज ही कर रहे हो, है ना। तो एडवर्टाइजिंग के साथ साथ आपको क्या करना था, सोशलाइज भी होना था, मिलना था आपको क्लाइंट्स के साथ। हो सकता है आप डायरेक्ट मीटिंग्स ना कर रहे हो,
लोगों से, अपने क्लाइंट से ना मिल रहे हो, सिर्फ आपके जो आपकी जो टीम है वही काम कर रही हो, तो कहीं ना कहीं वो चीजें मिसिंग थी आपके बिजनेस के अंदर, इसी कारण से आपके बिजनेस में प्रॉब्लम्स आई, राइट? तो अगर हेल्थ के अंदर प्रॉब्लम है तो हेल्थ में भी सेम चीज बोल सकते हैं कि आपको हेल्थ के अंदर अलग अलग चीजें करनी थी। अगर आप सिर्फ एक चीज को फॉलो कर रहे थे तो दैट वाज नॉट एनफ फॉर यू, आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें, हो सकता है आपको मॉर्निंग वॉक भी करनी थी, साथ में योगा भी करनी थी, थोड़ा मेडिकेशन का भी ध्यान रखना था ना, तो अलग अलग चीजें करनी थी तब आपकी हेल्थ अच्छी रहती, लेकिन आपने वो चीजें मिस कर दी, तो इसी कारण से आपकी हेल्थ में आपको हेल्थ इश्यूज फेस किए आपने। क्लियर हो गया? यस मैम, यस मैम, हाँ जी, एनी क्वेश्चन? नो चलिए, फोर नो नंबर मैम, का कार्ड निकालिए, नो, फोर ऑफ कप्स, और इसको समर आप पढ़िए। सॉरी 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 फॉर लेट. सो मुझे फोर ऑफ कप्स की जो मुझे पर्सनली एनर्जी आती है, इस बेसिकली जो भगवान आपको दे रहे हैं आप वो नहीं देख रहे हैं, आपको कुछ और ही चाहिए. मतलब भगवान अगर आपको फॉर एग्जांपल 10 रुपीज दे रहे हैं और आपको 20 चाहिए, तो यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट, मतलब यू आर नॉट ग्रेटफुल एट ऑल. ठीक है। ये कार्ड जो है ना, चार नंबर की एनर्जी, मतलब राहु की एनर्जी है। राहु, मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि आपको कि अगर राहु चाहे पॉजिटिव भी है ना आपकी जिंदगी के अंदर, फिर भी वो कुछ ना कुछ हर्डल्स क्रिएट करते ही हैं, लेकिन ये पॉजिटिव कार्ड नहीं है, ये नेगेटिव कार्ड है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बंदे ने क्या कर रखे हैं, हाथ बांध रखे हैं, इस तरह से बैठा है, तो मतलब वो एक तो वो एफर्ट्स नहीं करना चाहता, दूसरा उसकी तरफ जो चीज आ रही है ये भगवान की साइड से कुछ आ रहा है। अब जरूरी नहीं कि भगवान ही है, तो इसका मतलब ये कि बाहर की साइड से जो आपकी साइड कोई ऑप्शन आ रहा है, कोई चॉइस आ रही है, आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? सिर्फ अपने हाथ बांध के बैठे हो कि मेरे को तो जो चाहिए था मुझे वो नहीं मिला, इसलिए मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, राइट? तो दिस इज नॉट द राइट वे। अब यहाँ पे तीन कप्स इसके सामने पड़े हैं, तो ये क्या देख रहा है कि मेरे पास तीन कप्स तो हैं, चीजें तो हैं, लेकिन मैं इनसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ये खाली है, मेरे को ये कुछ खुशी नहीं दे रहा है। तो अब देखा जाए ना, तो ये पर्सन देखेंगे तो ग्रीनरी के ऊपर बैठा हुआ है और नॉर्मल से थोड़ा ऊपर बैठा हुआ है, थोड़ा छोटी सी पहाड़ी सी दिख रही है, जैसे जैसे स्लाइडिंग वे में कोई ऐसा प्लेस बना हुआ है जहां पर ये ऊपर को बैठा हुआ है, और पेड़ की छाया में भी बैठा हुआ है। तो इस बंदे को धूप तो लगी नहीं रही है ना, धूप मतलब ये हार्ड टाइम तो देख ही नहीं रहा, फिर इसने हाथ क्यों बांध रखे हैं? तो ये बंदा अपनी तरफ से जबरदस्ती की चीजों में गुस्सा किए हुए है। अब इसके कपड़े देखोगे ना आप, अंदर से इसके रेड इसने डाल रखा है, तो ये बंदा अंदर से गुस्से में है किसी चीज को लेकर के, बेशक ऊपर वाइट है, बेशक ऊपर से ये ऐसा दिखाता है कि नहीं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंदर से ना ये बंदा अंदर से गुस्सा रखने वाला है, ऊपर से ये नॉर्मल बिहेव करेगा कि हाँ मैं ठीक हूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी चीज से, है ना, आई एम ओके विद एवरीथिंग, बट इसको अंदर से क्या फील होता रहता है कि मेरे साथ उसने ऐसा किया तो मैं उसके साथ बात नहीं करूंगा, उसने इस टाइम पे ऐसा मेरे साथ बोला था तो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को ऐसा, तो ये गुस्सा रखने वाला इंसान है ना। अब इसको क्या, अब इसने जो नीचे शूज डाल रखे ना वो भी इसने रेड कलर के शूज डाले हुए, तो मतलब इस बंदे के जो स्टेप्स हैं वो भी पॉजिटिव नहीं है। तो जो ये स्टेप लेता है अपनी साइड से, पहली बात है फिलहाल तो ये स्टेप ही नहीं ले रहा, ये बैठा हुआ है, लेकिन अगर ये खड़ा होकर स्टेप भी लेगा ना तो ये जल्दबाजी में लेगा और गलत स्टेप लेगा। क्यों? क्योंकि ये राहु की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, तो राहु प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो ये कार्ड है ना, ये रिफ्यूजल का कार्ड है, मतलब ये रिफ्यूज कर रहा है चीजों को, डिनाय कर रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं लेना, साथ के साथ ये रिग्रेट कर रहा है इन चीजों के लिए जो इसको लाइफ के अंदर नहीं मिली। तो ये जो, और तीसरी ये चीज क्या कर रहा है, जो अपॉर्चुनिटीज इसकी साइड आ रही है उसको भी ये मिस कर रहा है, उसको भी नेग्लेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड क्या चीज दिखा रहा है, स्टैग्नेशन दिखा रहा है। ना ही तो आपकी लाइफ के अंदर जो चीजें हैं आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो जो आ रही हैं, जो सामने हैं उनमें भी आप खुश नहीं हो, और अपनी तरफ से भी आप कोई एफर्ट नहीं ले रहे हो, हाथ भी आपने बांध रखे हैं और चौकड़ी लगा के बैठे हो, पैर भी बांध रखे हैं कि मैं कुछ नहीं करता, है ना, तो इस तरह से तो जिंदगी नहीं चलती। तो इस टाइम पे ये पर्सन कहाँ, क्या है, अब फोर नंबर की एनर्जी है ना,
तो अगर कोई पर्सन पूछे कि ये किस टाइप का पर्सन है, तो ये पर्सन इल्यूजन में रहने वाला पर्सन है, इसको मेंटल क्लैरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि भी क्या है, बस ये गुस्सा किए हुए है मन के अंदर भी, हाँ मेरे से फला 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 बंदे ने उस टाइम पर ऐसा गलत काम कर दिया था, या उसने मेरे को उस टाइम पे ऐसा मना किया था, तो मैं उसके साथ ऐसा ही बिहेव करूंगा, है ना। तो ये अंदर से मन में गुस्सा रखे हुए किसी बात को लेकर के। हाँ जी समर, तो इससे क्या ग्रज की परेशानी ना, क्या लाइक ही होल्ड्स द ग्रज और समथिंग? हाँ, ग्रजेस रखे हुए मन के अंदर इसने, कोई पुरानी चीजों को लेकर के, कोई पास्ट की बातों को लेकर के, अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ या बिजनेस के अंदर जो भी कुछ हुआ इसके साथ, तो इसके मन के अंदर ग्रजेस हैं बस, है ना, कि मेरे साथ उस टाइम पे उस बंदे ने ऐसा किया था, या मेरे को ये चीज नहीं मिली, इस चीज का ये बंदा डिप्रेशन लेके बैठा हुआ है, प्रॉब्लम अपना जो है, मेंटल क्लैरिटी भी नहीं है इसको कि मेरे को एक्चुअली में करना क्या है या करना क्या था। तो इसको क्या है कि अलग अलग चीजें फील हो रही है, ये बोर भी फील कर रहा है रिश्तों से भी, इसको बोरियत हो गई है कि मुझे नहीं चाहिए ये रिश्ते, मतलब ही रिश्ते हैं, है ना। तो यार ऐसा नहीं होता ना, जिंदगी के अंदर हर कोई चीजें आपकी फुलफिल नहीं कर सकता, कई बार लोग आपको मना भी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बंदे ही गलत हो गए हैं ना। तो इसको क्या लगता है कि एक बारी भी किसी ने गलत कर दिया ना, जैसे वो बोलते हैं ना कि आप 1000 बार किसी का अच्छा कर लो, वो बंदा उस चीज को हाईलाइट नहीं करेगा, एक बार ही आपने मना कर दिया ना, तो बस वो बंदा उसी बात को पकड़ लेगा कि हाँ इसने मेरा ये काम में मना किया था, लेकिन उस बात को नहीं याद रखेगा कि इससे पहले इसने 50 बारी मेरी मदद भी की है, राइट। तो ये किस टाइप का पर्सन है कि पहले जो 50 बारी मदद भी किया ना, उसको नहीं ध्यान में रख रहा, बस ये सोच रहा है कि एक बारी भी इसने मेरी हेल्प नहीं की, तो फोकस किस पे कर रहा है, जो नहीं है उस चीज पर फोकस कर रहा है, जो हुआ है, जो हो रहा है, या जो किसी ने किया था, क्योंकि कब से वो खड़े हैं, वो गिरे नहीं हुए, ऐसा नहीं है कि लोग इसकी मदद ही नहीं कर रहे, इसको कुछ मिल ही नहीं रहा, बट इसने मन के अंदर अपने आप से जो ग्रजीज है वो बना करके रखे हैं, अंदर से अग्रेशन है, रेड कपड़े ये दिखा रहा है। अब अगर ये कार्ड, जैसे मैंने बोला कि पर्सनैलिटी में आता, तो ग्रजेस रखने वाला बंदा है मन के अंदर, है ना, खार रखता है, दुश्मनी रखता है, बस ऐसा मन के अंदर गुस्सा रखता है कि भी हाँ मेरे साथ किसी ने किसी टाइम पर ऐसा गलत किया था, तो मैं तो उसके साथ, ना जैसे कई बार लोग बोल भी देते हैं कि जब वही मेरे को मैसेज नहीं करा, जब मुझे वही कॉल नहीं करा, तो मैं क्यों करूं, इससे पहले चाहे बंदे ने 50 बारी कॉल की हो, है ना, अगर उसने एक बार ही इसकी कॉल इग्नोर कर दिया, नहीं उठाया, तो ये बस अपने मन में ही बना लेगा अपने आप से कि हाँ मैंने कॉल किया था, उसने नहीं उठाया, तो मैं क्यों करूँ, है ना। तो ये इस टाइप का पर्सन है ये। अगर ये कार्ड अब रिलेशंस में आता, तो रिलेशंस में भी अच्छा कार्ड नहीं है, अच्छी चीज थोड़ी ना कि आप ऐसे छोटी छोटी बातों के ऊपर ग्रजेस रख रहे हो मन के अंदर, कोई आपकी तरफ फैमिली के अंदर हाथ बढ़ा भी रहा है, तो आप आगे की तरफ उसकी तरफ देख नहीं रहे हो, आप मन के अंदर भी हाँ उस टाइम पे तुमने ऐसा किया था, तो आप बंदा बंदा जो है हाथ ही आगे बढ़ा नहीं रहा है ना, फ्रेंडशिप का हाथ नहीं बढ़ा रहा है, उस अगले बंदे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उसका वेलकम नहीं कर रहा है, तो ये चीज इस बंदे के अंदर है। अब ये बंदा ना जो है ना, इस टाइम पे अगर ये प्रेजेंट में कार्ड है, तो ये बंदा आइसोलेशन में रह रहा है, इसको अपने रिश्तों में सेटिस्फेक्शन नहीं है, इसको अपने बिजनेस में है तो बिजनेस में सेटिस्फेक्शन नहीं है, राइट। तो ये मन के अंदर ऐसा गुस्सा, बिजनेस में है ना, तो बिजनेस में भी ये कि मेरे कुलीग्स, सॉरी मेरे जो आ, आ, दूसरे हैं, मेरे राइवल्स हैं, मेरे जो कंपीट करने वाले हैं मार्केट के अंदर, है ना, वो मेरे से आगे निकल रहे हैं, या वो उनके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, तो ये मन के अंदर क्या उस चीज का गुस्सा ही अंदर से अंदर कर रहा है, बजाय इसके कि कोशिश नहीं कर रहा ना, ये सबसे बड़ी बात है कि कोशिश ना करना, हाथ से हाथ बस अंदर से गुस्सा किया जा रहा है कि हाँ दूसरों को देख के जल रहा है कि उसका बिजनेस क्यों बढ़ रहा है, मेरा क्यों नहीं बढ़ रहा, है ना। तो भैया कोशिश करोगे तो बढ़ेगा, ऐसे कैसे बढ़ेगा आपका बिजनेस, है ना, अगर आप अपने क्लाइंट्स के साथ मिल नहीं रहे हो, उनको नेग्लेक्ट कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, कोई आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, कोई आपके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, कोई आपको कोई ऑफर दे रहा है, आप नहीं ले रहे हो, तो फिर बस अगर ग्रजी से किसी बात का मन के अंदर, तो ये टोटली नो का कार्ड है, और हर तरह के लिए क्वेश्चन के लिए ना बोलता है कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, मेरे को जॉब मिल जाएगी, मेरे को कोई भी चीज मेरे हो जाएगी, तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये स्टेग्नेशन का कार्ड है, चीजें रुक गई हैं, जब आप किसी चीज में एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, हाथ नहीं हिला रहे हो, पांव बांध के बैठे हो, तो कुछ करना नहीं है, करना है तो कुछ अग्रेसिव स्टेप लेना है, तो ऐसा तो भैया जिंदगी नहीं चलती।
राइट, तो इस बंदे को हम गाइडेंस क्या देंगे, अगर ये फ्यूचर के लिए आ जाता है, पास्ट में आ गया तो चलेगा कि निकल गया ना पास्ट, लेकिन प्रेजेंट में है तो ये इस टाइप से आप बिहेव कर रहे हो अपने बिजनेस के अंदर, अपने रिश्तों के अंदर, आप अपने एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, जो चीज कोई आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, राइट, दूसरों को रिस्पेक्ट दे नहीं रहे हो, रिश्तों को संभाल नहीं रहे हो, कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, अगर ये फ्यूचर के लिए आता है तो दिस इज नॉट गुड फॉर यू इन फ्यूचर, है ना, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप ये वाली एनर्जी रखोगे तो आप तो जो रिश्ते हाथ में हैं, ये जो कप्स अभी खड़े हुए दिख रहे हैं ये बिगड़ जाएंगे, ये फिर अभी तो आप रिश्तों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, कल को ये रिश्ते आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आपको अपने आप को इस स्टेगनेशन बिहेवियर से निकालना होगा, आपको अपने मन के ग्रजेस को हटाना होगा, आपको थोड़ा सा पॉजिटिव बिहेवियर लेके आना होगा, हर कोई आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपको भी लोगों को एक्सेप्ट करना होगा, राइट तो इस तरह से ये कार्ड अलग अलग सिचुएशन में बंदे के ग्रजेस, उसका अग्रेशन, उसका गुस्सा लोगों के लिए, बिजनेस के लिए, अपने कॉम्पिटिटर्स के लिए सब शो करता है, मतलब ये बंदे को सिर्फ मन के अंदर यही है कि भी मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, मेरे साथ किसी ने गलत कर दिया, मेरे को बिजनेस में सक्सेस नहीं मिल रही, मैंने इतना पैसा लगा दिया, मेरे साथ नहीं, तो भैया आपका टाइम नहीं है, राहु का टाइम चल रहा है, कैसे अच्छा हो जाएगा, पर कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हो कि जो चीज आपके पास आ रही है आप उसको एक्सेप्ट कर लो, उसको हाथ बढ़ा करके आगे से रिसीव कर लो, ये तो कर ही सकते हो, लेकिन आप तो वो भी नहीं कर रहे हो, तो इस तरह से तो आप नहीं कर पाओगे, तो जिंदगी में तो आप ये भूल जाओ कि आपको 1 साल तक आपकी जिंदगी में कुछ चेंज होगा, हाँ बेशक ये माइनर कार्ड है तो हम बोल सकते हैं कि चलो ज्यादा लंबा टाइम ऐसा चलने वाला नहीं है, लेकिन एक माइनर कार्ड है ना, तो कम से कम तो 4 महीने, 4 महीने से लेकर के ए मैक्सिमम 1 ईयर, क्योंकि तो माइनर कार्ड है तो एनर्जी 1 ईयर तक रहती है, तो 4 से 12, मतलब 4 महीनों से लेकर के 12 महीने तक का टाइम लगेगा आपकी ये सिचुएशन रहेगी, लेकिन उसके बाद चीजें फिर हम देखेंगे अगला कार्ड क्या बोल रहा है हमें ना, अगले कार्ड के हिसाब से फिर हम बाकी प्रेडिक्शन करते हैं, तो इस तरह से हम 4 ऑफ कप्स को एक्सप्लेन करते हैं, कोई किसी को समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। मैम, इसका कोई लाइव एग्जाम्पल आपको कभी हुआ हो तो आप बताओगी मैम? हाँ लाइव एग्जाम्पल में बहुत सारी रीडिंग्स मेरे पास ऐसे आती रहती हैं, जैसे मेरे पास एक आया था क्वेश्चन कि मेरे पास एक रिलेशंस को ही लेकर के कार्ड था, जैसे किसी ने मुझे बोला कि मेरे एक फ्रेंड सर्कल में मेरे एक फ्रेंड है, मैं उनसे ना मतलब हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, लेकिन अब मेरे को ऐसा जानना है कि भी हमारी फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम आ गई है, हम एक दूसरे से मतलब उसने मेरे से इतना टाइम से बात नहीं की, तो क्या ऐसा हो गया है कि वो मेरे से बात नहीं कर रही है ना, तो वहां पे ये वाला कार्ड आया था, तो मैंने बोला था देखो वो आपके रिलेशंस में पहली बात की राहु की एनर्जी आई है, क्योंकि राहु इस टाइम पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आप एक दूसरे की चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप मन के अंदर ग्रजेस रख रहे हो, कुछ टाइम में शायद आप लोगों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है कि आपने उनको इग्नोर किया था या उन्होंने आपको इग्नोर किया था किसी चीज को लेकर के, जिस कारण से आप ऐसा सोच रहे हो कि भी इस रिश्ते में तो कुछ बचा नहीं है, अब आप एक्सपेक्ट तो कर रहे हो कि वो मेरे से फ्रेंडशिप करे, मेरे से दोबारा बात करे, है ना, लेकिन वो भी तो आपके जैसी है, वो भी वैसी बैठी है आइसोलेशन में, वो सोच रही है कि आप बात करो, आप सोच रहे हो वो करो, लेकिन कर कोई भी नहीं रहा, अब ये जो हाथ आ रहा है ना बाहर, अब ये यहाँ पे एक आपके लिए गाइडेंस है कि एक को तो कोशिश करनी पड़ेगी, एक को तो हाथ बढ़ाना पड़ेगा, अब क्या है कि मैंने उन दोनों की एनर्जी निकाली थी, तो दोनों सेम आप सिचुएशन में हो, आप सोच रहे हो कि वो कोशिश करे, वो मेरे को ये आप चीज ऑफर करें, आप सोच रहे हो कि वो करें, राइट, लेकिन कर कोई भी ना रहा है, आप क्या है कि आप सिर्फ वो देख रहे हो कि भी हाँ भी ये इस टाइम पे इन रिश्तों में कुछ बचा नहीं है, मेरे को इस रिश्ते को मैं पता नहीं इसको मैं आगे चलाऊंगी कि नहीं चलाऊंगी, कोई टाइम पे आपके बीच में कुछ चीज हो गई थी कुछ टाइम पे पहले, तो वो चीज ही आपको परेशान कर रही है, राइट, आप शायद उसको ये भी देख करके आप हैप्पीनेस नहीं हो कि उसकी जिंदगी में अच्छा चल रहा है, ना ही वो आपको देख करके खुश है कि आपकी जिंदगी में अच्छा चल रहा है, तो आप लोगों को हाथ बढ़ाने की जरूरत है, आप भी हाथ बांध के बैठे हो, वो भी हाथ बांध के बैठी है, तो एक बंदे को तो हाथ बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी ये जो आपकी प्रॉब्लम है सोल्यूशन, आपकी समस्या का समाधान होगा, तो अब आप देख लो अगर वो स्टेप नहीं ले रहा तो आप ले लो, है
ना, अगर आप वेट कर रहे हो, आपने मेरे से क्वेश्चन किया तो मैं तो आपको ही गाइड करूंगी, आपकी फ्रेंड को थोड़ी ना गाइड कर सकती हूँ, भैया तुम इनसे बात कर लो। मैं तो आपको कहूंगी कि देखो इस तरह से आइसोलेशन में रहोगे तो ये रिश्ते खाली ही नजर आएंगे, तो आप ये जो हाथ बढ़ा रहे हैं ये आप बढ़ा लो हाथ उनकी तरफ, तो फिर ये रिश्तों हो सकता है कि शायद वो एक्सेप्ट कर ले, वो भी एकदम से नहीं करेगी, उसके अंदर भी मन के अंदर बड़े ग्रजेस हैं। लेकिन ये है कि आपको हाथ एक बार नहीं, दो बार ही नहीं, तीन बार ही बढ़ाना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता पहले की तरह नॉर्मल हो जाए, राइट? तो आपको क्या कि बार बार हो सकता है उसको बोलना पड़े। तो फिर उसने बोला कि मैम ऐसे कैसे है ना, पहले तो हमारा इतना अच्छा था, अब एक बात को लेकर के थोड़ी ना ऐसे मतलब। तो मैंने कहा वही तो बात है, वही तो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि एक बात अगर हो भी गई तो ग्रजेस रखे क्यों हुए हैं। अगर उसने फोन नहीं किया, तुमने भी मैसेज नहीं किया, तो तुम भी कोशिश कर लो, हो सकता है कि आप एक बारी हाथ बढ़ाओगे वो आंसर ना दे, दूसरी बारी बढ़ा लेना अगर आप उस बंदी को वापस चाहते हो अपनी जिंदगी में। लेकिन ये है कि बंदे ने ऊपर से, बंदा प्योर है, वाइट डाल रखा है, तो अंदर से गुस्सा है लेकिन ऊपर से वो प्योर भी है, प्योरिटी भी लिए हुए आपके लिए, तो ये अंदर का गुस्सा ही आपको निकालना है। तो कोई बात नहीं, राहु की एनर्जी है, दो तीन बार कोशिश कर लो, मान जाएगी इस चीज की, तो मैं गारंटी दे देती हूँ। और वो कब तक मानेगी देखो, उसमें आप 4 महीने का टाइम लग सकता है, कोशिश करो अभी से, कोशिश कर लो, एक बारी दो बारी कॉल करो, तीसरी बारी डेफिनेटली उसका कॉल आ जाएगा। तो सेम ऐसे ही किया था उसने, मेरे कहने पर कर नहीं रही थी, बट मैंने बोला, कह रही मैम चलो ठीक है आप बोल रहे हो तो मैं कोशिश कर लेती हूँ, एक बार मैसेज करके देख देती हूँ, रिप्लाई आता है तो ठीक है। तो इसने रिप्लाई, इसने मैसेज किया तो उसने नहीं, इग्नोर कर दिया होगा, नहीं दिया होगा रिप्लाई, तो फिर बोला मैम नहीं रिप्लाई दिया, तो मैंने कहा एक बारी और कर दो, तो दूसरी बारी फिर कर दिया। तो वही है कि फिर उस बंदी ने इसको 2 ढाई महीने के बाद रिप्लाई किया, लेकिन किया, राइट? तो ये मैंने इसको बोला भी था कि 4 महीने का टाइम लगेगा आपको, हो सकता है 4 महीने के अंदर अंदर आपका जो सोल्यूशन हो जाए चीजों का, आपकी फ्रेंडशिप दोबारा नॉर्मल हो जाए। तो वही हुआ था, तो 2.5-3 महीने के बाद शायद उसने दोबारा रिप्लाई किया था, तो इनकी वापस दोबारा से बात हो गई थी। तो यहाँ पे क्या है कि आपको फिर एफर्ट्स करने पड़ते हैं, क्योंकि मैंने उसको फिर एज अ फ्यूचर गाइडेंस भी दिया था कि कोशिश तो करनी पड़ेगी, एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, है ना, आपको एफर्ट्स करने, आप हाथ बढ़ा लो इस तरह से। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। मैम, यस मैम, बिजनेस में जैसे कोई कार्ड निकल के आ गया, हमें बिजनेस करना, अगर ये आ गया तो हम टोटली नो बोल देंगे मैम कि नहीं आप मत करो ये काम। अपना क्वेश्चन, हम क्वेश्चन के ऊपर हमारा आंसर होता है ना। बंदे ने बोला कि क्या मेरे को ये बिजनेस करना चाहिए, उसने आपसे चाहिए पूछा है, तो अब कार्ड तो मेरे को नो बोल रहा है ना। लेकिन अब कार्ड टोटली नो नहीं बोल रहा, अब यहाँ पे आपके पास एक ऑफर आ भी तो रहा है ना, समझ रहे हो? तो हम ये देखेंगे कि देखो आप ऑब्जर्व करो, अगर तो वो ऑफर आपके पास खुद आ रहा है बिजनेस का या जॉब का, है ना, फिर आपको करना चाहिए कोशिश, फिर हम नहीं बोलते कि आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है ये आपके लिए बेनिफिशियल हो, और आप जो है उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहे, आपने हाथ बांध रखे हैं, तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे उस ऑफर को। अगर बंदा बोलता है कि नहीं मैम ऑफर तो कोई नहीं आ रहा, तो फिर यही है कि देखो फिर आपको कोशिश करनी पड़ेगी, है ना, आपको कहीं ना कहीं जाकर के अप्लाई करना पड़े। लेकिन अगर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे और सोचोगे, है ना, कि चीजें अपने आप से ही ठीक हो जाएं, तो फिर वो मुश्किल है। अगर कोई ऑफर आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लो, अगर नहीं आ रहा तो खुद हाथ बढ़ा लो किसी के साथ, खुद खुद जाकर ट्राई कर लो, राइट? तो हमें कार्ड की एनर्जी को पकड़ना होता है। अब ये यस कब बोलना है, नो कब बोलना है, ये हम यस नो की रीडिंग में समझेंगे। सभी क्वेश्चंस में हमें यस नो भी नहीं देखने होते, ये कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं जहां पे हमें यस बोलना होता है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस में नो बोलना होता है, अदरवाइज हम कार्ड की एनर्जी को पढ़ के आंसर करते हैं। अगर आप सीधा बोलोगे ना कि मैम मेरे को ना एक ऑफर आ रहा है तो मैं जॉब करूं या नहीं करूं, अब ये वाला कार्ड आ गया तो ये तो नो बोल रहा है, तो मैं आपको बोल दूंगी नो, तो क्या आप, अब ऑफर तो आ ही रहा है और कार्ड की एनर्जी बोल रही है कि ऑफर एक्सेप्ट कर लो, और कार्ड का जो नो वाला पार्ट, यस नो वाला पार्ट है वो नो बोल रहा है, तो आंसर तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में, है ना? और बाद में आप फिर सोचोगे कि मैडम ने तो नो बोल दिया पर जॉब तो बड़ी अच्छी थी, अगर मैं कर ही लेती तो बड़ा अच्छा होता, है ना, तो आपके मन में भी रहेगा। तो हमें कार्ड के सिम्बोलॉजी को समझना है, हमने हमें टोटली यस नो नहीं देखना कि हम, अब वो यस नो कब देखना है वो मैं आपको जब हम स्प्रेड्स करेंगे, यस नो वाला स्प्रेड करेंगे, मैं तब बताऊंगी कि इन क्वेश्चन पे आपको यस नो देखना है, इन क्वेश्चन पे आपको एनर्जी देखनी है। तो ऐसा क्वेश्चन जिनके ऊपर आप बोल रहे हो कि मैम एक ऑफर आ रहा है, एक्सेप्ट मेरे को करना चाहिए कि या नहीं करना चाहिए, है ना,
तो फिर हम बोलेंगे कि इसको कर लो एक्सेप्ट, क्योंकि ये ऑफर आपके पास अपने आप आ रहा है, फिर हम इसको नो नहीं बोलेंगे। समझ गए आप लोग? ओके मैम, यस हाँ जी, तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम कल और परसों 2 दिन ऑफ रहेगा, तो संडे को मैं क्लास लूंगी।